ममता बनर्जी ने क्या पटक के मारा पूरी भारतीय जनता पार्टी को। 200 पार का नारा देने वाली भाजपा को ममता ने एक ही झपट्टे में कर दिया, पूरी भाजपा को धराशायी और इनका खेला कर दिया। नमस्कार, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं सच की आवाज। कहां है वो हिंदू बजरंग दल वाले, हिंदू युवा वाहिनी वाले, आरएसएस वाले, हिंदू राष्ट्र वाले जो छाती पीटते हैं हिंदुत्व की, जिनको मंदिर कम पड़ गए, वो मस्जिदों पे झंडे टांगते फिर रहे हैं रामचंद्र जी के, अब कहां मर गए वो? जब कोरोना के अंदर हिंदू मर रहे हैं तो उनकी लाशें उठाने वाला कोई नहीं है, फिर वही मुस्लिम जिन्हें पानी पी पी के कोसते हो तुम, आज वही मुस्लिम जो है कंधा दे रहे हैं शमशान तक अंतिम यात्रा पे हिंदुओं की अर्थियों को पहुंचा रहे हैं। कुछ शर्म आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जिन मुस्लिमों को पानी पी पी के कोसते हो ना, कोरोना के मरीज को वही आज कंधा दे रहे हैं और तुम मुंह छुपा के बैठे हो स्मृति ईरानी की गोद में। हिंदू राष्ट्र के लिए छाती पीटने वाला तुम नकली हिंदू हो, तुम ही एक दिन इस देश के फिर से टुकड़े करोगे, तो हिंदुत्व के नाम पे कलंक हो। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से मिलकर बना है और ममता बनर्जी ने और कोलकाता वालों ने इसको बिल्कुल साबित कर दिया। तुम्हारी 200 पार का नारा जो था, ममता बनर्जी ने क्या पटक के मारा पूरी भारतीय जनता पार्टी को। 200 पार का नारा देने वाली भाजपा को ममता ने एक ही झपट्टे में कर दिया, पूरी भाजपा को धराशायी और इनका खेला कर दिया। सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी तुम इस पद के लायक ही नहीं थे, वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब तुम भारत की सत्ता के अंदर काबिज हुए। तुम लोगों को बिल्कुल शर्म आती नहीं, कोलकाता हारने के बाद हावड़ा ब्रिज बेचने का जो सपना तुम्हारा अधूरा रह गया, तो तुमने आते ही IDBI बैंक बेच डाला। यह है तुम्हारी हरकतें। और एक और ममता बनर्जी जो CM बनते ही जमीन से जुड़ी भी खुद से सड़क पे आप लोगों को जागरूक कर रही है जाकर कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करना है। कितनी दूरी बना के रखनी है, ये होता है जमीन से जुड़े हुए नेता। ये नूर तो बांसुरी बजा रहा है, 20,000 करोड़ रुपए का महल बनवा रहा है अपने लिए। जनता मर जाए, जनता का बेड़ा गरक हो जाए, लोगों के घर उजड़ जाए, कोई माँ खो जाए, बाप खो जाए, बहन खो जाए, भाई खो जाए, कोई मतलब नहीं। नीरव बानी बांसुरी बजाने में लगा हुआ है, हकीकत में वो कौन सा शुभ घड़ी होगी जिस दिन ये गद्दी से हटेंगे हमारी।